गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं नई टॉपिक के साथ आया हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी स्टूडेंट्स के लिए खासकर। तो नया इंटेक आ रहा है स्टूडेंट्स का और सभी को आने के बाद पार्ट टाइम जॉब करना होता है और मई एंड सेप्टेम्बर इंटेक आ रहा है और ये कैनेडा का बेस्ट इंटेक माना जाता है क्योंकि गर्मियाँ आ गई है और इसी टाइम कनाडा में रहने का मजा भी आता है। कनाडा ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बर्फ बर्फ सब गायब और इसी के साथ न्यू जॉब्स ओपन होती है तो स्टूडेंट्स को थोड़ी आसानी हो जाती है जॉब्स मिलने के लिए। ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स कनाडा आए स्टडी करने के लिए, पर पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने एक्सपेंसेस निकाल सके और स्टूडेंट्स को बहुत टेंशन होता है कि पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढे। तो आज मैं एक ऐसे जॉब के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे आप जॉब करते करते स्टडी भी कर सकते हो। जी हाँ, मैं सिक्योरिटी लाइसेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट जॉब है और मैं कनाडा आते ही सिक्योरिटी लाइसेंस बना लिया था और मैंने तो अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स जॉब साइट पे ही कंप्लीट कर दिए थे। और ये इसीलिए क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब ज्यादातर नाइट में ही होती है और ज्यादा कुछ करना होता नहीं है। आपको बस एक कैबिन या एक डेस्क दिया जाता है और रैंडमली थोड़े बहुत राउंड्स मारने होते हैं बिल्डिंग या जहाँ पे भी आपकी साइट है और कुछ हैवी लोड वाला जॉब है नहीं, बस बैठना है जाके। मैं तो अपने लैपटॉप लेके जाता था साथ में, मैं अपने प्रोजेक्ट्स वहां पे किया हूँ कॉलेज के। तो इस वीडियो में मैं आपको सिक्योरिटी लाइसेंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और कितने टाइप की जॉब होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिक्योरिटी जॉब दो टाइप की होती है, एक कमर्शियल साइट पे एक रेसिडेंशियल। तो कमर्शियल की आपको मिलती है मॉल में या ग्रोसरी स्टोर में, इसकी पे $2-3 ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं, पर ये फुल टाइम पेट्रोलिंग वाला जॉब है। आप बैठ नहीं सकते, आपको बस पेट्रोलिंग करना है बस। और दूसरी आती है कॉन्शियस की, ये आपको कॉन्डोस या और दूसरी आती है कॉन्शियस की, ये आपको कॉन्डोस या हॉस्पिटल में दी जाती है। ये जॉब बहुत अच्छी लगती है मेरे को तो एज अ स्टूडेंट। आपको कुछ नहीं, बस एक डेस्क दिया जाता है, आपको वहां बैठना है, थोड़ी बहुत रैंडम पेट्रोलिंग करनी होती है और दो तीन जॉब ड्यूटीज होती है वो आपको करना होता है और बाकी टाइम आपको आपका लैपटॉप लेना है। आप असाइनमेंट्स कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं क्योंकि नाइट शिफ्ट है तो आपको सोना नहीं है बस। पर मैं तो सोता भी था थोड़ा बहुत। दोनों जॉब्स में आपको डेली रिपोर्ट्स देनी होती है। कॉन्शियस की जॉब मिनिमम वेज वाली होती है और कमर्शियल की $2 ज्यादा, पर मेरे हिसाब से कॉन्शियस की जॉब बहुत बेटर है क्योंकि इसमें आप अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं। जैसे मेरा रूममेट रोहन, वो फुल टाइम सिक्योरिटी करता है नाइट में और आफ्टरनून में वो अपने बिजनेस के मीटिंग्स और सब देखता है। और दूसरा मेरा रूममेट है गौरव, तो वो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जॉब करता है और वो उसके पास भी सिक्योरिटी लाइसेंस है। वो अपने मूड के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी की शिफ्टें पिक करता है और रिसेंटली लास्ट वीक ही वो उसको एक जॉब मिली थी सिक्योरिटी की, वो भी हॉस्पिटल में। और वो हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट थी और वो पेशेंट सो रहा था और यहाँ हमारे जनाब मूवी यहाँ पर डाउनलोड करके गए, रात भर मूवी देख रहे थे। तो देख लीजिए ऐसा काम है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी लाइसेंस कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी होती है और यहाँ बहुत से कंपनीज हैं जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जहाँ से मैंने अपना सिक्योरिटी लाइसेंस बनाया था, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली थी, मैं उनकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आपको कुछ नहीं, बस एक स्लॉट बुक करना होता है और ये 5-6 घंटे की ट्रेनिंग होती है और इसमें आपको सिक्योरिटी, फर्स्ट एड और CPR की क्लास दी जाती है और क्लास के एंड में आपको एक CPR की सर्टिफिकेट भी दी जाती है और ये अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो कि आप CPR सर्टिफाइड हो। क्लास की फीस जब मैंने सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ली थी तब $125 थी और ये मैंने कैश में पे की थी तो टैक्स नहीं लगा। अभी है $199 और क्लास होने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी दी जाती है जिसमें आपको 40 घंटे की वीडियो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है और उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए जाते हैं जो आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करते हैं और ये लॉगिन आईडी 1 साल तक वैलिड होती है। ये 40 घंटे की ट्रेनिंग कंपलसरी है क्योंकि उसी के बाद आप सिक्योरिटी लाइसेंस बुक कर सकते हो। आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर दिया जाता है और उसी नंबर से आपको
सर्विस ओंटारियो की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से आपको सिक्योरिटी लाइसेंस का डेट बुक करना होगा। हम की फीस है $80 प्लस टैक्स, और ये आपको सर्विस ओंटारियो के वेबसाइट पे जाके या आप सर्विस ओंटारियो जाके बुक कर सकते हो, और ये स्लॉट आप अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बुक करें। तो एग्जाम को क्लियर करने आपको 60% चाहिए, और ये MCQs होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये सभी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आपके प्रैक्टिस पेपर्स में मिल जाते हैं। रिजल्ट 2 दिन में आ जाते हैं ऑनलाइन, और मेरे आए थे 72%। अब आपको सर्विस ओंटारियो की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होगा जिससे आप अपना सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई कर सके। इसको लगते हैं $75, और 2 हफ्तों में एक सॉफ्ट कॉपी आ जाती है जिससे आप ऑनलाइन जॉब्स ढूंढ सकते हैं इंडीड पे या कहीं पे भी। और सिक्योरिटी कार्ड को लगता है 1 महीना। तो इन्वेस्टमेंट लगता है गाइस थोड़ा, पर डिफिकल्ट नहीं है प्रोसेस। $200 लगेंगे आपके ट्रेनिंग में, $80 लगेंगे आपके एग्जाम के स्लॉट बुक करने में, $75 आपके कार्ड के, और इन सब पे टैक्स लगता है। सिक्योरिटी लाइसेंस वैलिड होता है 2 ईयर्स के लिए, पर इसमें भी एक पंगा है, ये आपके बर्थडे पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा एग्जांपल दे देता हूँ, जब मैंने अपना सिक्योरिटी लाइसेंस फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था अप्रैल 2019 में, मुझे लाइसेंस मिलना चाहिए था अप्रैल 2021 तक, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे लाइसेंस मिला था दिसंबर 2020 तक, क्योंकि तब मेरी बर्थडे आती है, और ये गवर्नमेंट पॉलिसी है इसीलिए ऐसा है। ऑब्वियसली आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग तो सिक्योरिटी लाइसेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको भी काम करना है। सिक्योरिटी लाइसेंस रीइश्यू करना बहुत आसान है, आपको सर्विस ओंटारियो जाना होगा, वहाँ पे $50 की फीस देनी होगी, और इसमें आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना होता है, और अगेन 2 साल के लिए वैलिड होता है वो लाइसेंस, आपके बर्थडे से 2 साल बाद वाले बर्थडे तक। तो गाइस ऐसा होता है सिक्योरिटी लाइसेंस, आप देख सकते हैं। मेरा दोस्त ऑलरेडी एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, और उसने मुझे रेफर कर दिया था, और मुझे 1 महीने में within 1 month मुझे जॉब मिल गई थी। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, इंडीड पे देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जॉब फेयर्स भी होते हैं सिक्योरिटी के, वहाँ पे जा सकते हैं आप। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है जुगाड़, तो आप कोई भी रैंडम पर्सन को पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हेल्प कर देगा, और ज़्यादातर देसी काम करते हैं ये जॉब के लिए। थैंक यू सो मच गाइस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना ना भूले। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले।